पोस्ट नेजल ड्रिप, यस पोस्ट नेजल ड्रिप, नाक के पीछे लगातार पानी बनना। बात करते हैं मैं डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन, जयपुर दुर्बीन हॉस्पिटल। यस दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना है क्या है ये पोस्ट नेजल ड्रिप। दोस्तों आपने देखा है बहुत बार जो है हम नोज के लिए बार बार क्लीन करते हैं और पीछे हमारे गले में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नोज से आया और हमने उसको सॉलो किया। दैट इज द पोस्ट नेजल ड्रिप। दैट मीन्स जो हमारा नोज का सीक्रेशंस है वो एक्सेस सीक्रेशन जब थ्रोट में जाता है और जब हमारे थ्रोट की जो पीछे की वॉल है जब उसको इरिटेट करता है तो उसको क्लीन करने के लिए अपन एक मैन्यूवर करते हैं, दैट वी कॉल द पोस्ट नेजल ड्रिप। दोस्तों ये जो पोस्ट नेजल ड्रिप है ये अच्छा नहीं है। बहुत बार आप एक एग्जीक्यूटिव हो, मीटिंग में बैठे हुए या किसी दूसरे के पास में जो है बैठे हुए हो, तो जब आप ऐसे करते हो तो अच्छा नहीं लगता। सो बात करते हैं कि सबसे पहले तो उसका क्या कारण है एंड देन क्या मैनेजमेंट है। दोस्तों पोस्ट नेजल ड्रिप जैसा मैंने बताया आपको, यूजुअली 99% पेशेंट के अंदर व्हेन वी हैव सम प्रॉब्लम इन द नोज, क्योंकि नोज के अंदर जो है हमारी जो स्किन होती है जिसको हम म्यूकोजा बोलते हैं, जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, वो म्यूकोजा एक्चुअली में उसमें जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो सीक्रेशंस कंटिन्यू डिस्चार्ज करते हैं जिससे वो सॉफ्ट रहे। बहुत बार कुछ रीजन के कारण लाइक पॉल्यूशन है, इरिटेंट है, स्मोकिंग है, किसी तीखी चीज़ के कारण है, जब अंदर की म्यूकोजा हाइपर रेस्पॉन्सिव होती है तो एक्सेसिव सीक्रेशंस निकलते हैं। जैसे हमारा जो साइनस है, साइनस में भी फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो सीक्रेशंस निकलते हैं एंड हमारा नोज जो दिख ऐसे रहा है लेकिन ये अंदर जो है पीछे की तरफ ग्रेविटी के कारण जो है सीक्रेशंस थ्रोट में जाते हैं, तो उसके कारण बार बार हमें उसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है। दैट इज़ द पोस्ट। वो आपके नोज में कारण हो सकते हैं, पॉल्यूशन हो सकता है, नेजल एलर्जी हो सकती है, आपको DNS हो सकता है, आपको साइनोसाइटिस हो सकता है, आपका नाक में कोई मास हो सकता है, बहुत सारे रीजन है, बट अल्टीमेटली उसका जो रीजन है वो है हमारा नोज। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस पोस्ट नेजल ड्रिप। पोस्ट नेजल ड्रिप का इफेक्ट है दोस्तों हमारा ईयर और हमारा जो थ्रोट दोनों को अफेक्ट करता है। बहुत बार इस पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण जो हमारा कान जो है गले में नाक के पीछे के हिस्से में खुलता है तो उस यूस्टेकियन ट्यूब के एरिया में भी क्या होता है, एडिमा क्रिएट होती है, स्वेलिंग क्रिएट होता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है और उसके कारण जो है कान के पर्दे के पीछे फ्लूइड इकट्ठा होता है तो हमें ईयर पेन स्टार्ट होता है, हमें खुद की साउंड्स खुद को आने लगती हैं एंड हैवीनेस ईयर के अंदर फील होती है एंड बहुत बार बच्चों को अंदर पेन भी स्टार्ट होता है एंड देर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन यू हैव डिस्चार्ज इन द ईयर, कान से क्या फ्लूइड भी निकालने लग जाता है। सो ये वो इफेक्ट हैं जो ईयर को इफेक्ट करता है पोस्ट नेजल ड्रिप। नाउ थ्रोट पे क्या करेगा दोस्तों, जब ये कंटिन्यू जो सीक्रेशंस जो है हमारे थ्रोट में जाते हैं तो थ्रोट में हमारा जो फेरिंजियल वॉल है, जो हमारा थ्रोट का वॉल है, वहाँ पे क्या होता है कि जो है वो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है एंड बहुत बार रेडनेस होती है और रेडनेस और जो है उसके कारण जो है हमारा पास में जो टॉन्सिल्स होते हैं और टॉन्सिल में भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने की देन वी स्टार्ट द बॉडी एक फीवर, पेन, टायर्डनेस एंड कंटिन्यू हॉकिंग लाइक और कफिंग, हम उसको कंटिन्यू करने के लिए जाए क्लीन करने के लिए हॉकिंग भी करना पड़ता है। तो दोस्तों ये है थ्रोट की साइड इफेक्ट पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण एंड जब लॉन्ग स्टैंडिंग जब उसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो ये अल्टीमेट ये जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है वो दोस्तों बहुत बार क्या है नीचे जो है वो हमारे सांस की नली और जो लंग्स को भी अफेक्ट करता है जिसको हम ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी बोलते हैं। तो जो एक साधारण चीज़ थी पोस्ट नेजल ड्रिप जो नोज़ के इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के कारण स्टार्ट हुई, उससे हमें ईयर में प्रॉब्लम हुई, उससे हमें थ्रोट में प्रॉब्लम हुई, उससे हमें जो है हमारे लंग्स और सांस की नली में प्रॉब्लम हुई। आपने देखा होगा कई बार क्या है आपको ऐसे बार्क लाइक जो इतनी खांसी होती है जिसको हम कुकर खांसी भी बोलते हैं, बच्चों में ऐसी बारी खांसी होती है तो वो भी दोस्तों उसके कारण ही है। सो अगर आपको ये देखना है कि अगर आपको पोस्ट नेजल ड्रिप है और वो कंटिन्यू सेम यही प्रॉब्लम चल रही है तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ होम रेमेडीज जो हमें यूज में लेना चाहिए, अगर आपको एपिसोडिक एक्सपोजर हुआ है, आप बाइक पे गए हो, कोई ठंडा खाया है, जब आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो ऐसी के अंदर आपको जो है वो
गर्म चीज़ें लेना चाहिए। आप उसे सेलाइन गार्गल्स कर सकते हो, अदरक की चाय भी ले सकते हो, और उसके अलावा जो है वो कुछ लोजेंज हैं चूसने की वो भी ले सकते हो। एंड ठंडी चीज़ें, कोल्ड स्टफ, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड डॉक्टर से दिखा कि अगर आपको नीड है तो वो थ्रोट स्वाब एक कल्चर करा के टेस्ट करा लेता है कि हमें थ्रोट के अंदर कौन सा इन्फेक्शन है, और उसका तुरंत हम जो है आगे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे बहुत सारे जो है हमारे साइड इफेक्ट से हमें बच सकते हैं। सो दोस्तों, देखा कितना महत्वपूर्ण है पोस्ट नेजल ड्रिप का कारण और उसका मैनेजमेंट। एंड आपकी कोई क्वेरी है इसकी रिगार्डिंग, डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। डेफिनेटली आई रिप्लाई फॉर दैट। थैंक यू।